फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए आज हम आपको मल्टी कलर के स्वेटर डिज़ाइन बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आप देख ही सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करिए। बच्चों के स्वेटर में बेबी स्वेटर, बेबी गर्ल कार्डिगन, लेडीज़ कार्डिगन, बॉय कार्डिगन, ब्लाउज, तो इस प्रकार से आप बचे हुए ऊन से भी बनाओगे ना तब भी ये बहुत सुंदर लगेगी। आप देख सकते हो ये बैक साइड और ये राइट साइड, और फुल स्ट्रेचबल भी होता है। स्ट्रेच होने के बाद कहीं भी देखिए आपको होल दिखाई नहीं देगा किसी भी डिज़ाइन में। अक्सर क्या होता है जब हम डिज़ाइन डबल कलर में बनाते हैं मल्टी कलर में, तो कहीं कहीं दिखता है किसी किसी डिज़ाइन में, लेकिन ये डिज़ाइन देखिए आपको कहीं नहीं दिखेगा। कैसे भी अप्लाई करो, कैप पर भी अप्लाई करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस डिज़ाइन को बनाना, आइए हम शुरू करते हैं। तो बॉर्डर बना लिया हमने, बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड सीने की तरफ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे एंड सीधे कलर हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए हमने अपना दूसरा कलर लगा लिया। अब पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ये पहले फंदे को सीधा बुना। अब देखिए यहाँ हमको पहले तीन फंदे को पलटना है, इसके बाद बनाना है। देखिए पहले सीधे करेंगे तीन फंदा। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों फंदों को पहले पलट लेंगे। देखिए ये इस प्रकार से आप लेंगे, पहले ये सिलाई में, फिर ये, इसके बाद दोनों को ले लेंगे इस सिलाई में। इस प्रकार से हम एक दो ए तीन, ये तीन फंदा हो गया। एक सीधा लपेटेंगे, फिर सीधा, ये तीनों को साथ में स्लिप करें। तीन फंदे में हमने तीन फंदे बना लिए। अब धागे को आगे करेंगे, ये अब तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये फंदे गिर गए हैं इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही बनेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये फिर से वही करेंगे, देखिए धागा पीछे। अब दो फंदे को हम ऐसे पलट देंगे इस प्रकार से। अब फिर दोनों फंदों को हम ले लेंगे इस सिलाई में। अब तीन फंदे को एक साथ बुनेंगे, एक दो ये तीन, तीनों फंदों में हमें तीन फंदे बनाने हैं। एक सीधा, एक लपेटा, फिर सीधा, ये हो गई। धागा आगे करेंगे, तीन फंदा हम सफ़ेद से बनाएंगे, दो ये तीन, धागा पीछे, एक दो तीन। देखिए तीनों फंदों में दो फंदे पहले हम ऐसे पलट लेंगे, इसके बाद हम इस सिलाई में ले लेंगे, फिर तीन फंदे को एक साथ, एक सीधा, एक लपेटा, एक बुना। धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो। अब देखिए लास्ट में तीन फंदे हमारे बचे हैं, उन्हें हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, दो फंदे, ये हो गई कंप्लीट। अब देखिए सेकेंड रो, दूसरी सिलाई, पहले को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, और जो सफेद कलर से हमने बनाया है उधर से उल्टा, इधर से हम उसे सीधा बनाएंगे, ये। अब धागा आगे करेंगे, ये तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे, इसी कलर से बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, मतलब रेड वाला हम रेड कलर से बनाएंगे, व्हाइट वाला हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, ये धागा पीछे, इसे हम सीधा बुनेंगे, मतलब तीन फंदा सीधा बुनना है और तीन फंदा हमें उल्टा बुनना है। धागा आगे, जो जिस कलर से बना है उसी कलर से हम बना लेंगे। धागा पीछे, धागा आगे,
धागा पीछे। ये दूसरी सिलाई फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हो। अब दो सिलाई हम सफेद कलर से बनाएंगे। पहले को स्लिप किया, बाकी के सारे फंदे हम ऐसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो गई। अब उल्टे की तरफ चौथी सिलाई, धागा पीछे, पूरे फंदे को सीधा बुनकर कंप्लीट है उल्टे की तरफ, बट हम पूरी फंदे को सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। हो गई फ्रेंड्स, चौथी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ अगर आपको डबल कलर में बनाने हैं तो आप यही कलर फिर से शुरू कर दीजिए। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यही कलर दूसरा लगा लीजिए। इसके बाद यही हमको थोड़ा सा चेंज करना है। इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे और इन तीन फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। एक बार आप देख लीजिए, ये पहले फंदे को छोड़कर तीन फंदे हमने बनाए उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये दो फंदे को ट्विस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, पलट देंगे, जैसे भी आपको समझ आए। इसके बाद देखिए तीन फंदे को एक साथ, एक दो तीन, तीन फंदे को एक साथ पहले सीधा एक बार लपेटेंगे, फिर सीधा, ये धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, पहले दो फंदे को हम ट्विस्ट करेंगे, इसके बाद तीन फंदे को एक साथ बनाएंगे, पहले सीधा फिर लपेटेंगे फिर बुनेंगे। अब फिर तीन फंदा हम, अब ये देखिए यहाँ भी मैं आपको बता दें, आप चाहे ये तीन फंदा उल्टा बना लीजिए या आप सीधा बना लीजिए। देखिए पिछली बार हमने सीधा बनाया, इस बार हम उल्टा बना रहे हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, ये लाइनें दो से तीन हो जाएंगी बस। अब देखिए दो फंदे को किया चेंज, तीन फंदे को एक साथ, एक सीधा लपेटा एंड सीधा हो गई ये डिजाइन फ्रेंड्स जो है कंप्लीट हो गई। चार सिलाई हम बार बार रिपीट करेंगे। अब इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, इसे हम सीधा बुनेंगे, उल्टा सीधा उल्टा, इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट रो से फोर्थ रो बताया वैसे ही आपको बार बार रिपीट करना है। बस यहाँ आपको चेंज करना है, एक बार आपको इस तीन फंदों में बनाना है इसे तीन सिंपल बुनना है, एक बार इसे तीन बुनना है इसे तीन सिंपल बुनना है, बस इतना ही आपको चेंज करना है। फिर आपका ये वाला पैटर्न जो है वो जाकर कंप्लीट होगा। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।